हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। रजिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं प्रीतम शुक्ला आपके लिए आज इंडियन ज्योग्राफी का चौथा क्लास लेकर के आया हूँ, और आई होप तीन क्लास आप लोग देख चुके होंगे, नोट्स भी बना चुके होंगे। तो आइए हम तीसरी क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं, देख लीजिए एक बार, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा क्या सबसे लंबी है? ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आंसर सही टिक कर लिया होगा। किसकी? गुजरात की जो तटरेखा है सबसे लंबी है, ठीक है। गुजरात के बाद दूसरे नंबर की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की, और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? सबसे छोटी तटरेखा आपकी गोवा की है, और जितने भी कोस्टल स्टेट हैं, तटीय राज्य हैं, उनकी संख्या कितनी है नंबर्स में? 9 तटीय राज्य हमारे हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा तीन देशों से लगती है? भारत का कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा किसे तीन देशों से लगती है? बहुत नया सा क्वेश्चन है, अब तक कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं था कि उसकी सीमा तीन देशों से लगती हो, लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया और उसको दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, तो जो लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी है, इसकी सीमा तीन देशों से मिलती है। आप ऐसे देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका जम्मू कश्मीर है, इसमें से आपका कश्मीर है, और ये आपका पूरा क्या है लद्दाख है। लद्दाख इधर यहाँ पर एक बाउंड्री जो शेयर करता है, लद्दाख किसके साथ शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ। यहाँ थोड़ा सा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। और इधर किसके साथ में? इधर किसके साथ शेयर करता है? चीन के साथ, ठीक है। ये पूरा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? यहाँ तक मान किसके साथ? चीन के साथ, ठीक है, चाइना के साथ शेयर करता है। तो अब लद्दाख आपका एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ऐसा आठ केंद्र शासित प्रदेश है, इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे, आठ में क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, इसकी जो सीमा है, ठीक है, कितने देशों से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, तीन देशों के साथ शेयर होता है। देखिए, जब तक जम्मू कश्मीर राज्य था, ठीक है, तब तक ऐसे हमारे दो राज्य थे। एक क्या था? एक कौन सा राज्य? सिक्किम था, जिसकी सीमा भूटान, चीन और नेपाल से लगती थी, और जम्मू कश्मीर था जिसकी सीमा इसके साथ अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के साथ लगती थी। लेकिन अब अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, एकदम नया क्वेश्चन है, आप देख के जाइएगा, ऐसा हो सकता है पूछ ले, ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ा के अगर पूछेगा तो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, तो ठीक है। तो अब लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा किसके तीन देशों के साथ लगती है, ठीक है। आप देख चुके हैं किसके साथ में? इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन एकदम नया क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। आपने कल पढ़ा कि नेपाल और भारत के साथ जो सीमा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन है, जबकि डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान और मैकमून लाइन इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा लें। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण चीज़ पर डिस्कस करते हैं, पिछले वीडियो क्लास में उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें करेक्शन करते हैं, ठीक है। देखिए, शुरू में आप जानते हैं लगभग 6 महीने पहले, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की स्थिति थी वो अलग थी बिल्कुल, ठीक है। क्या थी? कि भारत में 29 राज्य थे। कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। कब? 31 अक्टूबर 2019। क्या होता है 31 अक्टूबर 2019 को? कि एक घोषणा होती है राष्ट्रपति के द्वारा, और कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर जो एक क्या है, राज्य है, ये राज्य अब क्या हो गया, दो यूनियन टेरिटरी में इसको बांट दिया गया, दो यूटीज में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य किसमें चेंज हो गया? यूटीज में, यूनियन टेरिटरी में, दो यूनियन टेरिटरी में चेंज हो गया। एक यूनियन टेरिटरी का नाम क्या रखा गया? लद्दाख,
देखिए मैं कोशिश करूंगा थोड़ा वर्ड्स बड़े बड़े लिखूं, क्योंकि कमेंट में एक आध लोगों ने कमेंट किया कि सर आप अक्षर जो लिखते हैं वो छोटा आपका दिखता है। देखो अभी डिजिटल बोर्ड वोर्ड की व्यवस्था है नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी। तो कोशिश मैं करूंगा थोड़े बड़े वर्ड्स लिखने की कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में 31 अक्टूबर 2019 को घोषणा की गई, डिवाइड किया गया, एक लद्दाख और दूसरा यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश क्या बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखिए लद्दाख में दो जिले, कारगिल और लेह, टू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कौन कौन से टू डिस्ट्रिक्ट, वैसे रफली आपको बता रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट होगा वो लिख लेंगे, बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट होगा। ठीक है, यही दोनों राजधानी भी इसके ग्रीष्मकालीन। और जो जम्मू कश्मीर आपका यूनियन टेरिटरी बना, इसमें कितने 20 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 20 जिले इसमें बनाए गए जम्मू कश्मीर में। तो पहले हमारे पास जो यूटी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, इसकी संख्या इससे पहले कितनी थी, 7 थी। ठीक है, कितनी संख्या थी हमारी केंद्र शासित प्रदेश की, पहले बता चुके हैं 7 थी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया तो जो हमारे 29 स्टेट थे, क्या थे, स्टेट थे, 29 राज्य थे, ये 29 राज्य अब घट करके कितने हो गए, 28 राज्य, चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे से हट गया। ठीक है, अब कितने वर्तमान में स्टेट हो गए, 28 स्टेट हो गए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड किया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो अब देखिए हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हुई, 2 हो गई, यानी कि टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया गया, जब वही जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन ही चल रहा था दो यूनियन टेरिटरी में, उसी टाइम सरकार द्वारा एक और निर्णय लिया गया कि हमारा जो एक केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है, गुजरात के रीजन में पड़ता है, और एक जो दादर नगर हवेली है, इन दोनों को कम क्षेत्रफल वाले थे, तो इन दोनों को मिला करके केवल एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। किसको किसको, दमन दीव, दादर और नगर हवेली को, ठीक है, मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इनकी राजधानी, पहले दमन दीव की राजधानी दमन थी, दादर नगर हवेली की कैपिटल सिलवासा थी, लेकिन अब दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसकी राजधानी दमन रखी गई। ठीक है, तो दो केंद्र शासित प्रदेश जो 7 में थे में से थे वो क्या हो गए, 1 हो गए। तो यानी कि यहाँ कितना बचा, 6 बचा और यहाँ 2, तो यह है टोटल कितने, या टोटली वैसे करें तो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे जिसमें से क्या किया गया, दमन दीव, दूसरा दादर नगर हवेली, ठीक है, इनको मिला करके क्या किया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उनकी राजधानी क्या बना दी गई, ठीक है, इनकी राजधानी बना दी गई आपका दमन। ठीक है, तो अब टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने बचे, एक्यूरेट टोटल अगर बात करेंगे, टोटल यूटी की बात करेंगे, यूनियन टेरिटरी की, बताया ना हम यूनियन टेरिटरी बार बार लिखेंगे केंद्र शासित प्रदेश को, थोड़ा जल्दी लिख जाता है और आप लोग समझ भी जाते हैं। ठीक है, बता दिया गया पहले ही, तो अब जो है टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, ये आपको देख करके जाना है, बहुत अच्छा डेटा है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम पे, या अगर कोई भी एग्जाम होता है, एसएससी का होता है, यूपी पुलिस, एसआई, किसी भी पीसीएस तक पॉसिबल है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी, 8 है। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक होनी भी नहीं चाहिए, बाकी चीज तो आप देख ही चुके हैं, सारी यूनियन टेरिटरी की लोकेशन पिछले वीडियो में देख चुके हैं, वीडियो 2 में, और सारी यूनियन टेरिटरी का कैपिटल देख चुके हैं। एक ये भी देख लीजिए, पहले दादर नगर दमन दीव की दमन राजधानी थी, दादर नगर हवेली की सिलवासा कैपिटल थी, लेकिन अब दमन दीव और दादर नगर हवेली को कंसाइज कर दिया गया, एक में कर दिया गया है, और इसकी राजधानी क्या रखी गई है, दमन रखा गया है, कोई दिक्कत अभी तक। ठीक है, चलिए अब ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ, बाकी यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, सारे गौरव सर करेंट अफेयर्स में डिस्कस ही कर चुके हैं और करेंगे आपको, ठीक है, वीडियोस मिलेंगी, तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, साथ साथ लिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, 31 को घोषणा की गई, उसके बाद जो जो कारनामे हुए हमने सब कुछ बता दिया, इस पर गौर करना है, इस पर गौर करना है। ठीक है, वर्तमान में जो स्थिति 28 राज्य और
आठ केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चल रहे हैं आगे। फिर देखिए आप लोग जो थर्ड वीडियो की लास्ट सेशन जो चल रहा था, लास्ट टाइम में हम देख रहे थे कि भारत के तटीय राज्य, तो आप लोगों ने देखा था भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं, कितने कोस्टल स्टेट हैं, नौ तटीय राज्य हैं, और नौ तटीय राज्य में सबसे लंबी तटरेखा, ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा किसकी, गुजरात की, और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की। ठीक है, राज्यों में अगर देखेंगे जो तटीय राज्य हमारे मुख्य हैं, इनमें तटरेखा के घटते क्रम में देखेंगे तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी, गुजरात की। आपने कुछ किलोमीटर भी लिखा होगा, कितना, लगभग 1215 किलोमीटर। ठीक है, सबकी नहीं देखेंगे, सबसे लंबी जिसकी उसके देख रहे हैं, गुजरात, उसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। हम आपसे बताए हैं कि अगर प्रायोरिटी की बात करेंगे, कभी प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन आ जा रहा है कि अगर पूछता है इनमें से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो आप क्या करते हैं, और ऑप्शन में गुजरात नहीं दिया हुआ है, अगर गुजरात नहीं दिया हुआ है तो आप सेकंड प्रायोरिटी को चेक करते हैं, तो दूसरे नंबर पर क्या है आपका, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तीसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के बाद में तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र। ठीक है, टीएन से लिखते हैं, टीएन मीन्स तमिलनाडु, एमएच, एमएच मीन्स महाराष्ट्र। ठीक है, तमिलनाडु के बाद हम क्या देखते हैं, महाराष्ट्र है, फिर केरल, उड़ीसा। ठीक है, केरल, फिर उसके बाद में उड़ीसा। ठीक है, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। केटी, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में सबसे छोटी गोवा की। ये चीजें आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा किसकी, गुजरात की, कितनी है, लगभग 1215 किलोमीटर। यार बच्चों ये भी देखना है आप लोगों को कि जो ये सबसे लंबी तटरेखा, ठीक है, देखो मैं कभी कभी यहाँ पर आ जाता हूँ बहुत ज़्यादा स्क्रीन के करीब, तो मार्कर उठाना रहता है, चेंज करना रहता है, तो थोड़ा एक मिनट के लिए दिक्कत आपको हो सकती है, स्क्रीन ना दिखे यहाँ पे, बोर्ड ना दिखे। ठीक है, बाकी मैं तो अलग होता रहता हूँ, स्क्रीन शॉट के लिए आपको टाइम देता हूँ, समझाता हूँ, तो तुमको सामने रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखते रहिएगा। गुजरात, गुजरात से छोटी तटरेखा किसकी है, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश से छोटी तटरेखा तमिलनाडु की, तमिलनाडु से छोटी तटरेखा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से छोटी केरल की, केरल से छोटी ओडिशा की, ओडिशा से छोटी कर्नाटक की, और कर्नाटक से छोटी किसकी है, वेस्ट बंगाल, और सबसे छोटी गोवा की। गोवा की क्या है, सबसे छोटी, कल ही आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको चीजों को बता दी, जो हमारे तटीय राज्य हैं, कितने तटीय राज्य, ये देखो ये हमारे तटीय राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये हमारे क्या हैं, तटीय राज्य, यही सारे तटीय राज्य हैं, इनमें सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की। देखो कभी कभी अगर परसेंटेज में क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ऐसे पूछता है कि सबसे ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको दे देगा डाटा कि भारत के तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, ये कुल तटीय राज्यों का जो जो कुल तटीय राज्य हैं अपनी अपनी रेखा की कुछ ना कुछ लंबाई शेयर करते हैं, उनमें से कितना परसेंट गुजरात शेयर करता है। ठीक है, कितना परसेंट गुजरात की तटरेखा है, तो जितनी हमारी कोस्टल लाइन है उसका लगभग 23% किसके पास है, गुजरात की तटरेखा है सभी राज्यों में। ठीक है, जो तटरेखा उसमें सबसे ज्यादा गुजरात की है, किलोमीटर में पूछेगा तो क्या बताएंगे, 1215 किलोमीटर है, और अगर परसेंटेज में पूछता है कि कुल कितना परसेंट गुजरात, ठीक है, गुजरात के पास तटीय रेखा है, तो परसेंट में पूछेगा तो कुल तटरेखा का कितना परसेंट है, 23%। कहने का मतलब मान लो कुल तटरेखा 100 है, 100 किलोमीटर मात्र है, तो इसका 30 किलोमीटर किसके पास है, परसेंट का ही मतलब होता है, 100 पे देखते हैं चीजों को। ठीक है, तो 23% किसके पास है,
गुजरात के पास है, ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं चीजों को। देखिए मैं बहुत कॉमेडी टाइप में पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी कॉमेडी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि मैं सुबह सो के उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक के बाद में आने के बाद एक गाय है थोड़ा उसको देखता हूँ, तो उसके बाद में मैं सीधे नहा के चला आता हूँ, तो सुबह सुबह जानते हो कि इतना मतलब एनर्जी रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन ज़्यादा लोगों से हम कम्युनिकेट सुबह सुबह नहीं कर पाते हैं, तो जो बोलने हंसने वाली चीज़ है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा सुधार करने की, आप लोगों को कुछ शायरी वायरी सुनाते रहूँ, गाना वाना सुनाते रहूँ। ठीक है, बहुत लोग गाना वाला चैनल ज़्यादा लाइक करते हैं तो सोचें कि हम भी ये तरीका आजमाएं, लेकिन इस सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, आप अगर 40 मिनट 38 मिनट YouTube पर देते हैं, डेटा ख़त्म करते हैं, बैटरी की चार्जिंग ख़त्म करते हैं ना, कितना त्याग करते हैं कि बताओ, 40 मिनट कहीं बात ही कर लेते किसी से तो आपका कुछ बैटरी का पावर यूटिलाइज हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर आप 40 मिनट यहाँ पर दे रहे हैं, अपने करियर के लिए दे रहे हैं, तो आपका समय हंसने शायरी में ना जाए, 40 मिनट सीरियस होकर के आप पढ़ लीजिए, एनर्जी के साथ पढ़ लीजिए। मैं सीरियस पढ़ाऊँगा और वादा करता हूँ कि आपके पास एनर्जी की कमी नहीं रहेगी। बस आप भी कोशिश यही करना है कि डेली सुबह उठ करके क्लास देखना है, क्योंकि गांव में हम देखते हैं अक्सर लोगों की आती, सर क्लासेस भी सही से चलती नहीं, यूट्यूब पे सामने नेटवर्क नहीं रहता, तो उनको यही सजेशन देता हूँ, आप खा पी करके 9, 9:30 तक आराम से सो जाइए। ठीक है, कि नहीं मोबाइल ले करके सो रहे हैं, फिर करागे बस्ते लक्ष्मी जैसे हम करते थे जब, तो मोबाइल से होता है। ठीक है, मोबाइल से बेशक करिए, लेकिन 9, 9:30 बजे तक सो जाइए, 3, 3:30, 4 बजे आप उठ जाइए, ब्रश करके थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेशन वगैरह कर लीजिए, उसके बाद में छत पे चले जाइए या कहीं बैठ करके 1 घंटा अच्छा सुबह नेटवर्क रहता है, ठीक ठाक रहता है, मैंने ऑब्जर्व किया है इस बात को, तो सुबह आप एक वीडियो अच्छे से अच्छे मूड में देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं चीज़ों को देखते हैं, आप लोग समझदार हैं, सब करते ही होंगे, थोड़ा मैं आपको बूस्टअप कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें आपने लिख लिया है, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए कुछ तटीय राज्य हैं जो क्या करते हैं, हमारे अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के तट पर हैं और कुछ ना कुछ तटरेखा का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, आपने देखा ही घटनाक्रम का। ठीक है, देखिए कुछ द्वीपीय राज्य हैं जो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में हैं। ठीक है, वो भारत के बिस्कली द्वीप, जैसे यहाँ पर आपने देखा था, या मेन टेरिटरी वाले राज्य हैं, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या देखा आपने, लक्षद्वीप, क्या है सारे केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लक्षद्वीप है, ठीक है, गाना बजा रहा था वही देख रहे थे उधर, कुमार सानू का गाना, तो उनके बजने तो थोड़ा थोड़ा आप लोग भी इंजॉय कर लोगे। ठीक है, देख बाहर बज रहा है, सड़क पे लोग जा रहे हैं, अभी गायब हो जाएगा। देखो ये क्या है आपका, दमन दीव है, दमन दीव, दादर नगर हवेली, तो एक केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के हो गया, और ये आपका क्या है, लक्षद्वीप समूह है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी में आपका क्या है, ये हम आधा भारत बना रहे हैं, केवल प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट बना रहे हैं, ऊपर का हिस्सा नहीं बना रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं केवल आधा भारत बना रहा हूँ, प्रायद्वीपीय भारत जो है। ठीक है, इतना पार्ट बना रहा हूँ, इधर अरब सागर है, आप बता ही दिए गए। देखो पहले लेक्चर से, इसलिए मैं आप कहता हूँ कि आप वीडियो को बे ऑफ बंगाल पहले लेक्चर से देखिए, ये आपका क्या है, इंडियन ओशियन है, तो इससे क्या होगा कि आपको ये सारी चीज़ें बार बार रिकॉल नहीं करनी पड़ेगी, बार बार हमें भी नहीं लिखना पड़ेगा, और आप भी समझ रहे हैं कि यहाँ प्रायद्वीपीय भारत बन गया, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो कुछ ये द्वीपीय राज्य हैं जिनकी भी अपनी कोस्ट है, तटरेखा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और द्वीप भी हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अभी तक जो हमने तटरेखा पढ़ी है, ठीक है, वो हमने जो भारत की मुख्य भूमि, ये क्या है, भारत की मुख्य भूमि से बोलते हैं, जो अभी तक आप लोगों को मैप बनाया गया, दिखाया गया, भारत की मुख्य भूमि है, और मुख्य भूमि से बाहर भी भारत का कुछ एरिया है, जैसे इधर लक्षद्वीप समूह है, इधर न्यू मोर द्वीप समूह है, पंबन द्वीप है, ठीक है, और सारे द्वीप हम पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, भारत की जो ये मुख्य भूमि है, मेन लैंड है इंडिया का, इससे दूर थोड़ा सा स्थित है। ठीक है, और ये द्वीप है, तो ये देखो इसकी भी तो तटरेखा है ना, ये समुद्र है, और समुद्र से जो लगी
लगा क्षेत्र है, इसको कोस्ट बोलते हैं, तट बोलते हैं, तो अंडमान निकोबार की भी तटरेखा है, लक्षद्वीप की भी कुछ तटरेखा होगी और दादर नगर हवेली दमन दीव की भी तटरेखा होगी, ठीक है। तो हम द्वीपों में या केंद्र शासित प्रदेश में बोलते हैं कि किसमें, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है और सभी द्वीप के रूप में है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश या द्वीपों की जो तटरेखा है बेसिकली हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। अगर इस पर बात करेंगे तो देखेंगे सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। घटते क्रम में एक बार लिख लेते हैं तटरेखा का घटता क्रम। देखो यहां भी तटरेखा का घटता क्रम लिखे हैं और यहां भी तटरेखा का घटता क्रम लिखे, लेकिन ये जो मेनलैंड के स्टेट है, राज्य है, देखो यहां पर राज्य लिख दिए थे, राज्यों का घटता क्रम है और ये केंद्र शासित प्रदेश जो कहां पर है, तटरेखा पर है। कितने पूछेगा, कितने राज्यों की तटरेखा है, तो क्या बताएंगे आप, 9 राज्य की तटरेखा है। लेकिन अगर पूछेगा कितने केंद्र शासित प्रदेशों की तटरेखा है, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, अब 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी तटरेखा है, कौन, दादर नगर हवेली दमन दीव, ठीक है, और लक्षद्वीप और तीसरी, ठीक है, पुदुचेरी, सॉरी यहाँ पर देखो 3-4 जगह फैला है ना, केरल में फैला है इधर, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। तो दादर नगर हवेली दमन दीव लक्षद्वीप पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसकी क्या है, तटरेखा है बेसिकली, ठीक है। तो कितने राज्यों की तटरेखा है, 4 राज्यों की तटरेखा है, ठीक है, सॉरी दमन दीव की केवल है, दमन दीव, ठीक है, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ये क्या है आपका, ये आपका है लक्षद्वीप, दमन दीव, डीडी लिखा है, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट मत पढ़ना, ठीक है, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ए एंड एन, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये सारे जो हमारे यूनियन टेरिटरी है इनकी क्या है, तटरेखा। टोटल कितने, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनकी क्या है, तटरेखा है। इनकी तटरेखा को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे लंबी तटरेखा देख के आपको लगता है किसकी होगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ए एंड एन, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। देखो एक एक बार मैं इन सबके नाम बड़े में लिखवा चुका हूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरा बड़ा सा, ठीक है, एक ही नाम है, जैसे दादा भाई नौरोजी टाइप में, ठीक है, 3 नाम नहीं, एक ही नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लेकिन इसको हमने लिखवा दिया है पहले, अब शॉर्ट में लिख रहे हैं, अंडमान एक और अंडमान एंड निकोबार, बार बार बता रहा हूं मैं ऐसे लिखूंगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। आप भी जल्दी से लिख लेंगे, आप वीडियो चल रहा है जल्दी जल्दी नोट्स बना रहे हैं, तो ऐसे लिखने में आपको भी बहुत इजी रहेगा, वीडियो पॉज नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो 40 मिनट का वीडियो आपका 80 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद में लक्षद्वीप, ठीक है, और लक्षद्वीप के बाद में, ठीक है, लक्षद्वीप के बाद में पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद में दमन दीव, दिख रहा है यहां लास्ट तक दमन दीव तक, ठीक है, देख लीजिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, देखिए मैं अकेले रिकॉर्ड करता हूं तो पीछे जा करके फिर देखना पड़ता है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा गायब होना पड़ता है हमको, ठीक है, दिख तो रहा है, बराबर दिख रहा है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश या द्वीपों में अगर तटरेखा की बात करेंगे तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा कितनी है, लगभग 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और सबसे अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी तटरेखा है, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितने, 4 हैं केंद्र शासित प्रदेश, कितनी, 4 हैं, 4 यहां पर डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी, देखो जो मैं बोल रहा हूं इसको आप वर्बली लिखते चलिए कॉपी में,
अपने शब्दों में लिखते चलिएगा, यहाँ पर जब मैं लिखवाऊंगा बोल बोल के तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और इसके लिए मैं करता क्या हूँ, ठीक है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, ये पूरा पीडीएफ लाइन टू लाइन कट टू कट लिखते हैं, आपको लगेगा पूरी क्लास ही सर ने उतार के रख दी, क्योंकि मैं खुद टाइप करके बनाता हूँ उन चीज़ों को, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस क्लास से रिलेटेड वहाँ लिखा रहेगा वीडियो क्लास वन पीडीएफ, वीडियो क्लास टू पीडीएफ, इस टाइप में हम सारे वीडियोज़ के रेगुलर पीडीएफ आपको अपडेट करवाते हैं, वीडियो अपलोड होने के बाद में आपको तुरंत पीडीएफ अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा लाइन टू लाइन वहाँ पर आपको लिखा लिखा दिखेगा, बस आपको यहाँ पर समझाते चल रहे हैं, आपके दिमाग में चीज़ें कंसाइज वे में अच्छे से बैठती चली जाएँ, ठीक है। तो सबसे लंबी तटरेखा के साथ प्रदेश में बात करेंगे तो अंडमान निकोबार की, उससे कम लक्षद्वीप, उससे कम पुदुचेरी, फिर दमन और दीव की। सबसे लंबी पूछेगा तो किसकी है, अंडमान और निकोबार की, सबसे कम पूछेगा तो किसकी, दमन और दीव की, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक, लिख लिए होंगे आप लोग, लिख लीजिए ये सारे लोकेशन से आपके, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की। आगे चलते हैं, फिर मिटा दीजिए। देखिए, आपने अभी तक देखा कि जो हमारे तटीय राज्य हैं, तटीय राज्यों की जो कोस्टल लाइन है वो कितने किलोमीटर की है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा आपने, तटीय राज्य पर जो हमारे स्टेट हैं, राज्य, उनके बारे में देखा आपने, ठीक है। उसके बारे में, उसके बाद हमने क्या देखा, जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं वो जो तट शेयर करते हैं उनके बारे में हमने देखा। कभी कभी देखो क्वेश्चन बताए ना, दो तीन तरीके से पूछता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, आपको एक बार बता चुके हैं, एक बार और देख लीजिए इन चीजों को। एक तो पूछता है केवल राज्य करके, एक क्या पूछता है, केंद्र शासित प्रदेश क्वेश्चन में डाल देगा, ठीक है, और एक क्या पूछता है आपको, दोनों लिखा रहेगा, राज्य भी लिखा रहेगा और अब्लिक में क्या लिखा रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश। देखो मेरे क्लास की खासियत ही, एक तो क्वेश्चन करवाना, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आप कैसे वहां पर गलती करते हो, वो गलती आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर चाहे जितना अच्छा हम पढ़ा दें, लेकिन अगर आप गलती करके कुछ चले आते हो, थोड़ा सा भी गलत कर देते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, ठीक है। एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, ठीक है। राज्य देखो, अगर राज्यों से क्वेश्चन करता है तो आप बताए हैं आपको कितने में आप पूछेंगे, कितने राज्य हैं, 28 में। अगर केंद्र शासित क्वेश्चन से, केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन पूछता है तो आप कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8, आप इन 8ों में सोचेंगे केवल। लेकिन अगर दोनों से क्वेश्चन पूछता है तो आप 28 और प्लस 8 कितने में सोचेंगे, 36 में सोचेंगे। कोई दिक्कत, ठीक है, इसमें विचार करना कैसे सोचेंगे, सोचेंगे मैं कह रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि क्या सोचेंगे, ठीक है, देखना है क्या सोचेंगे। अगर पूछता है कि किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो आप क्या बताएंगे, राज्य मतलब 28 राज्य, 28 राज्य में से कितने तटीय राज्य हैं, 9 हमारे तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य, राज्य बार बार कह रहा हूं उसको माइंड कीजिएगा, 9 में से पूछ रहा है कि किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो किसकी सबसे लंबी है, गुजरात की। आप देखें ना कितनी है, लगभग 1215 किलोमीटर है, ठीक है, 23% है टोटल, जितनी शेयर करते कितना है, 1215 किलोमीटर, ठीक है, इतनी है ना, लिख लिए थे। लेकिन अगर पूछता है यही क्वेश्चन किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी तट रेखा है, जब यहां ऑप्शन देगा तो आपका केंद्र शासित प्रदेश भी डाल देगा नाम में, ठीक है, उस पर नहीं विचार करना है, सबसे लंबी तट रेखा है तो आपको क्या बताना है, क्या आंसर हो जाएगा आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, देखना इस बात को, ठीक है। लेकिन अगर पूछता है कि दोनों देगा आपके क्वेश्चन में, किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
बोल रहा हूँ उस पर देखिएगा, हो सकता है आपको बाद में मेरी राइटिंग ना समझ में आए, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा टाइप हो सकता है यहाँ से कि किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा है, किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछना है तो आपको 36 में विचार करना है, 36 में से 9 स्टेट हैं जिनकी तटरेखा है और 4 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी क्या है तटरेखा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ 9-4 सबने विचार करना है। तो देखेंगे गुजरात की तटरेखा 12-15 और अंडमान की 1962 किलोमीटर, ठीक है, दोनों में विचार करेंगे तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी बनी, इसकी बनी ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, यानी कि गुजरात से भी लंबी अगर दोनों में विचार करेंगे तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, अंडमान। और तो यहां भी सही आंसर आपका क्या होगा, समझ में आ रहा है बात, अगर दोनों पूछेगा तो इस पर आप क्या करेंगे, विचार करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। देखो यहां राज्य पूछ रहा है, ठीक है, ब्लू मार कर ले लें, माइंड करते चले आप लोग, मजा आ रहा है। यहां राज्य पूछ रहा है तो राज्य में किसकी, गुजरात की। यहां केवल केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है तो केंद्र शासित प्रदेश में किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और यहां पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछ रहा है तो दोनों पूछेगा तो आप कंपेरिजन करेंगे इसकी 12-15 इसकी 1962, ठीक है, तो सबसे लंबी किसकी भी, इससे लंबी भी ना गुजरात से, दोनों में अगर बात करेंगे तो सबसे लंबी किसकी, ठीक है। देखिए कुछ करना नहीं है आपको राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में, एक ही काम करना है कि अंडमान निकोबार को आगे सबसे कर देना है, ठीक है, बाकी क्रम वही आपका रहेगा, ठीक है। जैसे अगर यहां पर दिख रहा है ना नीचे और लिखेंगे तो दिखेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा दिखेगा इधर कॉर्नर में लिख दे रहे हैं। अगर राज्य में बात करते हैं, किसमें, राज्य में भी और केंद्र शासित प्रदेश में, तो आपको ज्यादा नहीं ध्यान है, राज्य वाला आपको क्रम याद है ना, राज्य में सबसे लंबी किसकी, गुजरात की, गुजरात के बाद में याद है ना सारी चीजें, गुजरात के बाद में किसकी, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के बाद में किसकी, टीएन मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु की। लेकिन सबसे लंबी अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में देखेंगे तो सबसे लंबी किसकी, अंडमान और निकोबार, ए एंड डी एन, अंडमान और निकोबार, यानी कि ये सबसे आगे आ जाएगा क्योंकि इसकी कितनी है 1962 किलोमीटर और इसकी 1215 किलोमीटर, गॉट इट, कोई दिक्कत, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। ये देखिए क्रम, अगर दोनों पूछेगा तो आपका ये वाला क्रम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर दोनों ने पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बताया ना ये चीजें आप क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, सामान्य परिचय से 2-3-4 क्वेश्चन इस टाइप में बन सकता है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्य से, तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, पूरा फॉर्मेट कर लीजिएगा, राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्य की, राज्य है तो आप 28 में सोचेंगे, केंद्र शासित प्रदेश है तो 8 में सोचेंगे, ये है तो 36 में सोचेंगे, ठीक है, और कैसे सोचेंगे ये हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको बता दिया गया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए इस चीज को, ठीक है, वीडियो पॉज करके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, और बताइए नोट्स वोट्स आप लोग बनाते चल रहे हैं कि नहीं, भैया बनाते रहिएगा, नहीं तो फिर इस कहानी का, राम कहानी का कोई मतलब नहीं है, बाद में भी पूछोगे ना कि सीता किसका बाप था, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलने वाला, आपके पास पेन पेपर होना चाहिए, सारी चीजें नोट डाउन करते चलना है, हमें कंसाइज में समझते चलना है, हम भले ही कम चीजों को कम चीज पढ़े लेकिन जो पढ़े वो हमारा डाइजेस्ट हो जाए, हम गेन कर पाएं, साथ साथ ये भी कर पाएं कि हम एग्जामिनेशन हॉल में कैसे कंफर्ट फील करेंगे, उस लेवल पे हमें तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखिए ये जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं बाद में बनाए गए, इनकी कहानी कुछ ऐसे है कि आप जानते हैं माउंटबेटन प्लान आया पहले, उसके बाद में विभाजन हुआ भारत का, फिर स्वतंत्रता मिली, ठीक है, तो भारत को स्वतंत्रता तो मिल गई लेकिन कुछ ऐसे भारत के क्षेत्र थे
जहां कुछ यूरोपीय तब भी बने हुए थे, 1947 के बाद भी बने हुए थे, ठीक है, उन क्षेत्रों पर उनका अधिकार था। बाद में इंडिया के द्वारा ऑपरेशन किया गया, ठीक है, और कई ऑपरेशन के तहत उन क्षेत्रों को यूरोपियों के कब्जे से छुड़ाया गया। 1961 तक ये सारी बातें चली हैं हमारी, ठीक है, 1964-61 तक चली हैं। तब जा करके कुछ कुछ क्षेत्र थे फ्रांस के अधीन क्षेत्र थे, फ्रांस के लोग, फ्रांस फ्रेंच बस्तियाँ थी, कॉलोनीज थी, लोग रह रहे थे, कुछ पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र थे, तो उनको 1961 तक धीरे धीरे करके खदेड़ा यहाँ से गया, और जो क्षेत्र बाद में उनसे मिला उसको भारत के किसमें केंद्र शासित, एक तो किस राज्य को दे, ये प्रश्न उठता है, ठीक है, और दूसरा हमने स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए कुछ केंद्र शासित प्रदेशों का सृजन किया, निर्माण किया, रणनीतिक महत्व को देखते हुए, ठीक है। तो ये एक बात देख लेते हैं, कभी कभी पूछता है, पूछ लेता है कि जो महे का क्षेत्र है किसके अधीन था, या कब इसको किसके अधीन था, उनसे कब लिया गया, कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, कब भारत में शामिल किया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा फैक्ट हम कवर करते हैं, तो हेडिंग डालते हैं विदेशी क्षेत्रों का समेकन या विदेशी क्षेत्रों से लिए गए क्षेत्र, विदेशी क्षेत्रों का समेकन। समेकन मतलब उनका, उनको इकट्ठा किया गया, जो बताए ना जो अंडर में थे आजादी के बाद भी, ठीक है, कुछ क्षेत्र हमारे थे, पुर्तगाल के अधीन थे, कुछ फ्रांस के अधीन थे, और क्या किया गया इन क्षेत्रों को बाद में ऑपरेशंस के तहत क्या किया गया, भारत में शामिल किया गया। जैसे कुछ क्षेत्र किसके अधीन थे उस टाइम, पुर्तगाल के अधीन थे क्षेत्र, और कुछ हमारे क्षेत्र किसके अधीन थे, फ्रांस के अधीन थे, ठीक है, दो कैटेगरी में बांट करके पढ़ते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब माहे को शामिल किया गया, चंदनगर को कब शामिल किया गया, कराईकल को कब शामिल किया गया, दमन दीव दादर नगर हवेली को कब शामिल किया गया। तो इनको देखते हैं, ये अगस्त 1961 में, कब, AGUST अगस्त 1961 में हमारा जो क्षेत्र दादर है, ठीक है, इसको और नगर हवेली को, इन दोनों क्षेत्र को क्या किया गया, पुर्तगालियों के अधीन से अगस्त 1961 को मुक्त कराया गया, और किसमें शामिल किया गया, भारत में शामिल किया गया। देखते हैं पुर्तगाल के अधीन का क्षेत्र दादर नगर हवेली, ठीक है, इसको अगस्त 1961 में दादर नगर हवेली को क्या किया गया, पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, ठीक है, 1961 में, और इसको क्या किया गया, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है, और राजधानी क्या रखी गई, सिलवासा, ठीक है। दूसरा देखते हैं 1961 में भी, दिसंबर 1961 में, दिसंबर 1961 में, ठीक है, क्या किया गया, दिसंबर 1961 में दमन दीव और किसको, गोवा को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया, ठीक है। पुर्तगाल के अधीन जो क्षेत्र थे उनको, उनमें से दादर नगर हवेली को 1961 में, और दमन दीव और गोवा को दिसंबर 1961 में क्या किया गया, इनको भारत में, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया, ठीक है। कभी कभी पूछता है, चार ऑप्शन देगा आपको क्षेत्रों के नाम कि ये क्षेत्र किसके अधीन था, तो अगर दमन दीव की बात आती है, दादर या नगर हवेली की बात आती है, गोवा की बात आती है, तो ये सारे क्षेत्र किसके अधीन थे, हमारे पुर्तगालियों के अधीन थे, और पुर्तगालियों से हमने इनको मुक्त कराया 1961 में, और भारत के राज्य क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनको शामिल किया गया। गोवा भी शुरू में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ था दमन दीव के साथ, लेकिन बाद में उसको एक राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रांस के अधीन का कुछ क्षेत्र है, ठीक है, जून 1949 में फ्रांस के अधीन एक क्षेत्र था हमारा चंद्रनगर, ठीक है, इसको भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया। जब जून 1949 में चंद्रनगर को क्या किया गया, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया, ठीक है, और 1 नवंबर 1954 को, ठीक है, फिर 1954, ठीक है, एक क्षेत्र आपने पढ़ा ना, इस समय पुदुचेरी के अंतर्गत आता है कराईकल,
माहे यनम पुदुचेरी कराईकल माहे एनम पुदुचेरी ये सारे क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? पुदुचेरी के अंतर्गत आते हैं, कैपिटल पौंडचेरी, ठीक है, कराईकल एनम, ठीक है, पौंडचेरी, इन सारे क्षेत्रों को किसमें शामिल किया गया? 1 नवंबर 1954 को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया, ठीक है। और ये सारे कराईकल माहे, कराईकल है माहे एनम पुदुचेरी चंद्रनगर, ये सब जो क्षेत्र थे किसके अधीन थे? फ्रांस के अधीन थे, ये ध्यान में रखना है। और ये सारे क्षेत्र दादर नगर हवेली दमन दीव और गोवा, ये किसके अधीन थे? ठीक है, पुर्तगाल के अधीन। कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन देगा कराईकल, देखो क्वेश्चन ऐसे है, ऑप्शन ए कराईकल, ऑप्शन बी माहे, ऑप्शन सी दमन दीव, ऑप्शन डी यनम। पूछेगा इन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन था? किसके अधीन था? पुर्तगाल के अधीन कौन सा क्षेत्र था? तो कौन सा क्षेत्र? दमन और दीव पुर्तगाल के अधीन था, बाकी ये सारे क्षेत्र किसके अधीन थे? फ्रांस के अधीन थे। और कब कब इनको आजाद कराया गया? पूछेगा माहे, माहे जो क्षेत्र है फ्रांस के अधीन था, इसे कब भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? 1954 में, 1 नवंबर 1954 में, ठीक है। थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था, कोई इस चीज़ का मतलब नहीं है, बस एक बार आप नज़र दौड़ा लेंगे अगर क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, ठीक है, तो हम क्यों पीछे हटें, ठीक है, वहाँ से तो रख लीजिए। इसका ही मतलब होता है एक ठीक ठीक रूप में, मतलब सतह पर हमको बहुत दूर तक कवर करना होता है, ठीक है। तो बस इन चीज़ों को देख लीजिएगा जो विदेशी राज्य बाद में शामिल किए गए, फिर हम आगे बढ़ते हैं चीज़ों को देखते हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ों को आप आज आप लोगों ने कवर किया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में और चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन सामान्य परिचय का हमारा जो 5वां लेक्चर होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और साथ साथ हम कुछ और अच्छी चीज़ों को वहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट भी क्लास देखना आप मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें बहुत बेहतरीन चीज़ों को कवर किया जाएगा। यहाँ लगभग तटरेखा और ये वाले क्वेश्चन आपने देखे, सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं, ठीक है। और लास्ट में आपने क्या देखा? लास्ट में हमने देखा था कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, जो करेक्शन हमने बताया, उन चीज़ों को आप फोकस कर लीजिएगा। अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। दमन दीव दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।